morning dear students, welcome back to all of you. Today's class, see, last previous lecture we have solved the exercises, all the exercises, the lesson number 3 spinners, lesson number 2. Okay, see students, I have mistaken about the exercise, the page number 22A, the tick the right answer. Okay, so we have to be correct once. Okay, see, the open your page number 22, the understanding paper. I think I have the tick 2 right, but 3 and 4 it has the misunderstood. Okay, so you have to re-correct once. Okay, समझ में आ गया? जो मैंने आपको 22 में टिक द राइट आंसर्स में आपको कराया था, सो दो आंसर्स बराबर थे, बट थर्ड फोर्थ इज फिफ्थ इट्स रॉन्गली मिसटेकन. ओके, सो सी वंस अगेन आई एम रीडिंग द आंसर्स. ओके, तो फर्स्ट लॉरेल लिव्ड इन, लॉरेल कहां पे रहती थी? आंसर इज सी, द स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स. अंडरस्टूड? Once again, I repeat the correct answer. You have to change. Okay. So, Lauren lived in a small cottage in the woods. Understood? So, first ka answer kya? It's a C. Then, how did Laurel's mother make a living? Jo Laurel ki mother hai, wo kya bola hai? Kya karti thi? मतलब जीने के लिए हम बोलते हैं ना कि व्हाट शी डू फॉर अ लिविंग. ओके, सो हाउ डिड लॉरेल्स मदर मेक लिविंग, मतलब जीने के लिए वो क्या करती थी, मतलब व्हाट इज हर वर्क्स. सो द आंसर इज बी, बाय स्पिनिंग वूल. मतलब हमारा वही है, द थ्री स्पिनर्स, वो क्या करती? स्पिनिंग वूल एंड फ्लैक्स इनटू द फाइन थ्रेड. जो कपास है उसको हम क्या करते हैं? स्पिन करते हैं, उसका क्या है? थ्रेड में रूपांतर करते हैं. तो सेकेंड का इट्स अ बी, बाय स्पिनिंग वूल एंड फ्लैक्स इनटू द फाइन थ्रेड. अंडरस्टूड यहां तक? ओके, इट्स अ थर्ड वन. लॉरेल्स मदर थ्रेटन्ड हर डॉटर टू गो एंड फाइंड हर ओन लिविंग बिकॉज, मतलब लॉरेल की मदर ने उस पर चिल्लाया. वाई? बिकॉज शी वॉज वेरी लेजी गर्ल. She do not listen. Sorry, she didn't listen to her mother. Okay? So that's why her mother, Laurel's mother, scold. इसके ऊपर चिल्लाती थी, अपने बेटी के ऊपर, और उसने बोला अगर इसके बाद अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो you have to search, you have to fight to your own way. मतलब तुझे खुद का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा. तो what is the answer? She lost her patience with her lazy daughter. उसका उसके ऊपर क्या था? वो संयम, वो क्या हो गया था? बिगड़ गया था. तो what is the third answer? क्या है? It's a A. Understood? Okay. So what is the answer? Third one. Laurel's mother threatened her daughter to go and find her own living because she lost her patience. उसका जो संयम था वो खो चुकी थी. She lost her patience with her lazy daughter. Lazy daughter मतलब उसकी आलसी लड़की. Understood? ये आप अच्छे से read correct कर लीजिए. Okay. So then fourth one. The queen took Laurel to her palace as she was. मतलब the look. जब Laurel she came into द क्वीन पैलेस, जब लॉरेल क्वीन के पैलेस में आती है तो शी वॉज क्या? द आंसर इज सी. ओके, फोर्थ का आंसर क्या? इट्स अ शी, इट्स अ शी थॉट. हू थॉट? द क्वीन थॉट. शी थॉट लॉरेल वॉज वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज, क्यों ऐसा उसको लगा था? बिकॉज वेन द क्वीन पासिंग थ्रू आउट द लॉरेल्स कॉटेज, मतलब उसके घर के कॉटेज से जब वो क्वीन गुजरती है तो उसकी मम्मी लॉरेल्स की मदर क्या बोलती है? झूठ बोलती है कि नहीं, वो दिन भर क्या करते हैं? स्पिनिंग गोली करते थे. सो दैट्स व्हाई शी जस्ट थॉट, शी वाज थिंकिंग द लॉरेल वाज वेरी हार्ड वर्किंग. आई अंडरस्टूड? मतलब फोर्थ का आंसर है इट्स अ सी, वो गलती से बी हो गया था. सो इट इज नॉट दैट राइट आंसर, इट इज अ राइट आंसर फोर्थ का, इट्स अ सी.
तो व्हाट इज द आंसर, शी थॉट लॉरेल वॉज वेरी हार्ड वर्किंग क्वालिटी विच शी अप्रिशिएटेड. एंड यू हैव टू प्लीज री करेक्ट. ओके द नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है, हु गेव लॉरेल लास्टिंग हैप्पीनेस एंड हाउ. मतलब लॉरेल को लास्ट में अंत में किसने सबसे ज्यादा खुशी दी और कैसे कैसे खुशी दी. द आंसर इज बी, इट्स नॉट अ सी, द आंसर इज बी. आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर. द प्रिंस बाय ऑर्डरिंग द प्रिंस द हु हैज हर फ्यूचर व्हाट फ्यूचर हस्बैंड है ना, तो लॉरेल का हस्बैंड कौन था, इट्स अ किंग. द प्रिंस बाय ऑर्डरिंग That Laurel would not touch spinning wheel. मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इसके बाद जो Laurel है वो स्पिनिंग व्हील को टच नहीं करेगी. Understood? So these are the finally correct answer. Please student, you have to re-correct the answers. Okay? So first का क्या है, once again I am recall the correct answer. Laurel lived a small cottage in the wood. It's a sea. Then how did Laurel's mother make a living? It's answer B, by spinning wool and flax into the fine thread. Okay, the C, the Laurel's mother threatened her daughter to find her own living because she lost her patience with her lazy daughter. Okay, so fourth one, the queen looked Laurel her palace as she was. She thought Laurel was very hardworking, a quality which she appreciated. Understood? And fifth one, who gave the Laurel lasting happiness and how? The answer is the prince by ordering. मतलब prince by ordering मतलब prince के द्वारा किया जाने वाला order. Okay? The prince was ordering the Laurel would never touch a spinning wheel. Understood? So these are the correct answer. Please you have to recheck and just recorrect. Okay. अब देखो वो भी हम ले लेते हैं. Who said the following? Why is your daughter screaming so? आपकी जो लड़की है वो जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? The screaming word is जोर जोर से चिल्लाना. मतलब when we are crying तो हम बहुत हल्ला करते हैं, like screaming. तो उसका आंसर किसने बोला था? Who said the queen? Understood? Then B, what shall become of me, whatever shall I do? It's a Laurel. Who said it? It's a Laurel said. A promise is a promise. We shall have the wedding feast tonight. Feast, matlab maine bola tha ki hum, when we invited more than 5, so we have to arrange, we have to prepare the feast, means mejwani. खाना खाने को जिन हम लोगों को बुलाते हैं, दैट इज द वर्ड ऑफ द बेस्ट वर्ड इज अ फीस्ट. सो डोंट फॉरगेट द फीस्ट, FEAST, फीस्ट. ओके, तो फीस मतलब हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे इट्स अ मेजबानी. ओके, सो फीस्ट. So who said the queen है ना. तो last one, then ever again shall my lovely Laurel touch spinning wheel. किसने बोला था कि वो spinning, मतलब जो wool है जो चलता है वो spinning को हाथ नहीं लगाएंगी. The prince ने बोला कि the Laurel would not touch the spinning wheels. Understood? तो ये आपको correct करना है. Okay. उसके बाद थिंक योर आंसर, गिव रीजंस टू शो दैट लॉरेल वाज वेरी लकी विच एवरीबडी कैन नॉट, है ना. तो हमने आंसर किया था, वंस अगेन आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर, आई हैव रोट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, सो वंस अगेन आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर. क्या है क्वेश्चन, गिव द रीजन टू शो दैट लॉरेल was very lucky which everybody cannot be. तो answer is the Laurel was very, है ना, क्या बनेगी, Laurel was lazy but the queen selected her for her prince. When Laurel was assigned a work by the queen which she could not do, मतलब she could not, मतलब she couldn't, it is a
shortcut which she could not do herself. Then three old women appeared before her and helped her in spinning the wax. Okay, kya hai? Spinning the flax. So help her in a spinning the flax. No, everyone cannot be so lucky as Laurel. मतलब Laurel जैसे कोई भी लड़की lucky नहीं रहती है. The prince ordered that Laurel would not touch a spinning wheel. Understood? तो ये इसका answer है. ठीक है, तो इसी प्रकार से you have to recorrect all the answers in which I have mistaken. Okay, so students, in your next class we will see the page number 24 B exercise. So till then you have to just take care, and please once again you have to recorrect the answers. See you tomorrow. Take care. Bye bye.